तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग बलिया। और आज मैं हूँ टाउन हॉल के पास, जहाँ पे लगा हुआ है सावन मेला। बलिया में फ़र्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने जाने वाला हूँ सावन मेला। तो चलते हैं और आपको घुमाते हैं कि सावन मेला है क्या। आया हूँ अभी बापू भवन में, आप देख सकते हैं, जिसको टाउन हॉल के नाम से भी जानते हैं बहुत लोग। अभी तो फ़िलहाल ये पूरा एकदम बारिश की वजह से ख़राब हो रखा है, लेकिन जो प्रोग्राम है वो अंदर होने वाला है। तो चलते हैं और दिखाते हैं इस सावन मेला में है क्या। तो अभी आ चुके हैं सावन मेला के पास और चलते हैं। बाकी आप देख सकते हो ये गेट है और अभी हम चलते हैं इसके अंदर। क्या क्या सारी चीज़ें हैं सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। और आप देख सकते हो सामने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो चलते हैं और एक एक करके सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं और क्या क्या ऐसा चीज़ होने वाला है। तो ये बलिया का सावन मेला है और एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये एक चैरिटी प्रोग्राम है सावन और तीज मेला करके। इसमें जो है कुछ लोगों को जो है चैरिटी के जरिए जो है हमने बुलाया है, जिस उनको प्रमोट कर सकें। बहुत कुछ है, स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बुटीक है, स्वर्ण से रिलेटेड चीज़ें हैं, कपड़े का है, बहुत सारा आइटम है। ये आज शाम को 7 बजे तक चलेगा, आज ही एक दिन का है। देखिए, बेसिकली तो हम लोग जो है एक लायंस क्लब एनजीओ है। हम लोग समाज के अंदर जा कर के जहाँ उस तबके के लोग रहते हैं, जहाँ तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उसमें जा कर के हम लोग सर्विसेज देते हैं। खाना बांटने से लेकर के ज़रूरत जहाँ पर है वहाँ पौधारोपण हम लोग करते हैं। समाज में बहुत सारी एक्टिविटी जिससे समाज को फ़ायदा हो वो हम लोग करते हैं। थैंक यू राहुल। मैं सुधीर चौबे, कॉफ़ी हाउस वन विहार। हमने एक नेचुरल कैफ़े बलिया में स्टार्ट किया हुआ है पिछले 3 साल से हम रन कर रहे हैं वन विहार बलिया में। और वहाँ पे हम नेचर्स को ध्यान में रखते हुए हेल्दी प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फास्ट फूड है। और अभी यहाँ लायंस क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए हुए सावन मेले में हमें काउंटर लगाने का ऑफ़र आया, जिसको हमने उस अपॉर्चुनिटी को हमने गेन किया और हमने अपना आज अपना काउंटर लगाया हुआ है। आज के काउंटर में हमारे जो मेन्यू है वो आपका मैक्रोनी है, मैगी है, कुल्हड़ कॉफ़ी है और कुल्हड़ चाय है, और इसके अलावा वाटर बॉटल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिखा सकते हैं? हाँ, श्योर। अभी मैं आपको मैक्रोनी दिखा रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास हेल्दी मैक्रोनी है और मैगी हमारी रेडी हो रही है, वेजीज के साथ में है और इसमें ग्रीन वेजीज और प्योर और सीजनल वेजीज हैं। और इवन कुल्हड़ हमारे, हमने नेचर को ध्यान में रखते हुए हम कुल्हड़ का ही मतलब यूज़ कर रहे हैं, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट भी ना हो और कुम्हार जो हमारे हैं उनको भी कुछ रोज़गार मिल सके, तो कुल्हड़ पे हमारा मेन फोकस होता है। सारे होममेड प्रोडक्ट्स हैं और सारे बेकरी आइटम्स हैं, ऑल न्यू थिंग। चॉको चिप कुकीज़ है और केक्स मफिन्स हैं, ये गुलाब जामुन केक है, ब्राउनी है, वो चॉकलेट हेजलनट केक है, रबड़ी केक है, ये फेरेरो रोशेस हैं, टब केक्स है, फज है, मेरे पास बहुत सारे वेरिएशन हैं। इधर कुकीज़ है, ये लोफ्स हैं, जैसे ये रेड वेलवेट कुकीज़ है, फैंसी पैकिंग आप देख सकते हो, बच्चे अपने बर्थडे में या रिटर्न गिफ्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, 60 रुपीज़। ये नान खटाई है 200। नान खटाई क्या अच्छा लग रहा है देखने वाले। हमारे शॉप का नाम यूनिक क्रिएशन और कृष्णा बुटीक है। यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और हैंडमेड आइटम्स मिलते हैं। हैंडमेड आइटम्स में आपके ये ठाकुर जी के पोशाक हो गए, इनवेलप्स हो गए और ये रोली चावल वाले हो गए, हैंडमेड ये सब चीज़ें हो गई। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हमारे ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये काऊ वाली हैंगिंग है जो कि टोटली हैंडमेड है, ये आपको अपने घर पर होम डेकोर के यूज़ कर सकते हैं। ये है एक रानी वाली तस्वीर, ये हैंडमेड बन बनवार है, और ये आरती की थाली हो गई, ये तस्वीर माला आपका, आप तस्वीर पैसे लगा सकते हैं होल्ड करके। और ये सब हमारे हैम्पर्स हैं, ये हैंडमेड सिंहासन है ठाकुर जी के लिए ये हैंडमेड कैंडी बॉक्स है, आप इसमें चॉकलेट रख के गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, काफी खूबसूरत लग रहा है, कुछ निकाल के मेरे को दिखाइए। हाँ या बिल्कुल, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा ये। जी, ये बच्चों के लिए स्पेशली हमने बनाया है। अच्छा, एज अ रक्षाबंधन गिफ्ट आप दे सकते हैं। ये हैम्पर्स हो गए बच्चों के लिए छोटे छोटे, मेरा पेज है फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। आप उसमें मेरा नंबर मेंशन है, आप उस पे से नंबर लेंगे, ये
परचेज कर। यहाँ पे चीफ गेस्ट आने वाले थे तो भी चीफ गेस्ट आ चुकी हैं मैम, और आप देखिए यहाँ पे अभी इसका उद्घाटन होने जा रहा है। सो ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी उद्घाटन होने जा रहा है, चीफ गेस्ट आ चुकी हैं। तो मेले का पीछे आप देख सकते हो सारी कार्यक्रम चीज़ें शुरू हो चुकी है, और पीछे जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे इस मेले में तो उनका सारा कार्यक्रम हो रहा है। बाकी हम लोग आपको दिखाते हैं कि इस मेले में क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ हमारे मित्र मिल गए हैं, पत्रकार भाई साहब, प्रणाम नमस्कार हर महादेव। और कुछ गुफ्तगू भी होने लगी, बाकी और कुछ लोग हैं जो आने वाले हैं तो भैया लोग का इंतजार करते हैं। बाकी आप पीछे देख सकते हो ये सारी चीज़ें कार्यक्रम चल रही है। ये कार्यक्रम बस आज के लिए है, तो अगर आप मिस कर गए तो मिस कर गए, नेक्स्ट टाइम आप इसका इंतज़ार करना तो आएगा, उसके बाद आप इसमें आ सकते हो। सैंग्रिल का स्टॉल है ये, और हमारे सावन मेला में हम बर्गर, सैंडविचेस, हॉट कॉफ़ी और बहुत सारा आइटम, इडली भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इडली सांभर। और हमारे सैंडविचेस और बर्गर दोनों ग्रिल्ड हैं, तो इट्स लेस अनहेल्दी यू कैन से। हमारा अभी शॉप जो है परिखरा में है, पार्किन होटल से 100 मीटर पहले, लेकिन बहुत जल्दी हमारा आउटलेट एनसीसी तिराहा पे खुल रहा है, काम चल रहा है ऑलरेडी और एक महीने में खुल जाएगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है श्रावण मेला, और आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स नहीं आए हैं, लेकिन जो भी हैं सारे यूनिक आए हुए हैं, ज्वेलरीज और खाने पीने की आइटम है, तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अपने बलिया में ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ बलिया को कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिले, नई पहचान मिले। तो अभी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको बलिया में क्या देखना है एक बार कमेंट कीजिए, साथ में सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ताकि हम भी बलिया को एक्सप्लोर करें और आपको सारी चीज़ें दिखा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।